हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इंडियन रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे से गवर्नमेंट जॉब कैसे पा सकते हैं। इसके बारे में सभी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं खुद रेलवे में 2018 से लेकर 20 तक टिकट कलेक्टर के पद पर काम कर चुकी हूँ। मेरी भर्ती टैलेंट स्पोर्ट्स कोटा से हुई थी और इसीलिए मैं आप सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी दे सकती हूँ। हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इंडियन रेलवेज में टिकट कलेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। उन्होंने 2001 से 2003 तक खड़गपुर स्टेशन में काम किया था। एक बार एक जाने माने रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वो क्रिकेट में इतना प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, तो उस पे उन्होंने जवाब दिया, प्रेशर उसे कहते हैं जब आप खड़गपुर स्टेशन की भीड़ से भरी ट्रेन में एक टिकट कलेक्टर का काम करते हैं, क्रिकेट तो बहुत आसान है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जो ये टिकट कलेक्टर की जॉब मिली थी, वो उन्हें रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटे में ऑफर की थी। इंडियन रेलवे में और भी बहुत जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि स्पोर्ट्स कोटे से भर्ते हुए थे, जैसे कि साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, पीटी उषा, सुशील कुमार, विनेश फोगाट और ऐसे बहुत से जाने माने खिलाड़ी हैं जो कि रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होने का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर क्या एज क्राइटेरिया होता है, कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जरूरी हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और आपको किस पोजीशन की जॉब मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस इस चैनल पे आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रेलवे में स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। रेलवे के अंदर अलग अलग जोन है, जैसे नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और इन सभी जोन्स के एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन होते हैं और उन सभी एसोसिएशन के ऊपर आता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB, जो सभी स्पोर्ट्स कोटे के रिक्रूटमेंट करता है। जो स्पोर्ट्स कोटे की टोटल सीट्स होती हैं उनमें 60% सीट्स जो होते हैं वो टैलेंट स्काउटिंग से फिल की जाते हैं, यानी कि जितने भी नेशनल्स होते हैं, सीनियर नेशनल्स और जूनियर नेशनल्स, वहाँ पर रेलवे के कोचेज और रिक्रूटर्स मौजूद होते हैं, वो खिलाड़ियों को ऑब्जर्व करते हैं और जो कि आउटस्टैंडिंग और टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें रेलवे खुद अप्रोच करता है और सामने से जॉब ऑफर करता है। और जो बचे हुए 40% सीट्स होती हैं उन पर रेलवे हर थोड़े थोड़े टाइम में ओपन एडवर्टाइजमेंट्स निकालता है न्यूज़पेपर में और रेलवे के सभी जोन्स की वेबसाइट पे। अगर आपके पास नेशनल्स में मेडल है तो आप भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे टोटल 30 ऐसे गेम्स हैं जिनके अंदर स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देता है और वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो 60% सीट्स हैं जिन पर टैलेंट स्काउटिंग से जॉब मिलते हैं उसमें आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसमें रेलवे खुद ही खिलाड़ियों को ढूंढता है और जॉब ऑफर करता है। बट जो 40% सीट्स हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए ओपन एड्स निकलते हैं और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए जो पुराने एड्स निकले हैं अलग अलग जोन्स के वो डाल रखे हैं। इसके अंदर सभी डिटेल्स होती हैं कि कौन से रेट पे की जॉब है और किस गेम्स की जॉब है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में ऐड निकला है तो आप साउथ वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर जाके उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। स्पोर्ट्स कोटा की जितनी भी जॉब्स होती हैं रेलवे में वो ग्रुप सी और डी में मिलती हैं। अब इनके अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि अगर आपके ओलंपिक्स में 8th पोजीशन तक है तो आपको 4200 की ग्रेड पे की जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने ओलंपिक्स में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है तो आपको 2800 ग्रेड पे जॉब मिलेगी और अगर आपके पास सीनियर नेशनल्स में गोल्ड मेडल है तो आपको 2400 ग्रेड पे भी मिलेगी। बाकी अगर आपके पास नेशनल्स में मेडल है तो आपको 1900 या 2000 ग्रेड पे की जॉब मिलती है। कौन से ग्रेड पे के लिए कौन से मेडल्स चाहिए इसकी पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उसमें आपको मिल जाएगी। जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद भी अगर आपके किसी कॉम्पिटिशन में नेशनल या इंटरनेशनल में मेडल आते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता है, वो भी कौन से मेडल पे कब और कितना मिलता है उसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें मिल जाएगी, तो उस लिंक को ज़रूर देखना। चाहे टैलेंट स्काउटिंग हो या फिर ओपन एड से रिक्रूटमेंट, इन दोनों में ही ट्रायल और मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रायल होते हैं स्पोर्ट्स के ट्रायल, वो आपने जिस गेम के लिए एप्लीकेशन भरी है या जिस गेम के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है उसके ट्रायल्स होंगे और ये ट्रायल्स नेशनल कोचेस लेते हैं
और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स देते हैं। आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के 80 मार्क्स होते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स और जनरल इंटेलिजेंस के 10 मार्क्स होते हैं। टोटल 100 मार्क्स में से आंकलन किया जाता है। अब आते हैं एज क्राइटेरिया कि किस उम्र के खिलाड़ी रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एज क्वालिफिकेशन है वो है 18 से 25 साल, 18 to 25 ईयर्स, और ये जो एज है वो आपके जिस दिन भर्ती होगी उस दिन तक आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपको 2400 और 2800 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी। अगर आप 12th पास है तो 1900 या 2000 की ग्रेड पे की जॉब मिलेगी, और अगर आपकी एजुकेशन उससे कम है यानी 12th पास नहीं है या 10th पास है तो आपको 1800 ग्रेड पे जॉब मिलेगी। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये केस टू केस बेसिस पे कई बार रिलैक्सेशन भी मिल जाता है अगर खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है, या फिर आपको टाइम दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है। जो ग्रुप सी के जॉब्स हैं उसके लिए जो मिनिमम नॉर्म्स है रिक्रूटमेंट के लिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। या तो आपने अपनी कंट्री को किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया होना चाहिए जो कैटेगरी ए या बी में आनी चाहिए। जो कैटेगरी ए है उसमें ओलंपिक गेम्स आता है, और बी में वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं। तो इन सभी में से अगर आपने किसी में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रखा है तो आपको ग्रुप सी में जॉब मिलेगी। इसके अंदर यूजुअली 2800 ग्रेड पे की जॉब मिल जाती है। अगर आपने अपने स्टेट को नेशनल्स में, चाहे वो जूनियर नेशनल हो या सीनियर नेशनल हो, में रिप्रेजेंट किया है और आपकी थर्ड पोजिशन तक है तो आपको ग्रुप सी में 1900 ग्रेड पे की जॉब मिल जाएगी। अगर आपने अपने यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है और एटलीस्ट आपकी फर्स्ट या सेकंड पोजीशन है तो आपको ग्रुप सी की जॉब मिल जाएगी 1900 ग्रेड पे में। अगर आपने अपने स्टेट को फेडरेशन कप में रिप्रेजेंट किया है और आपका गोल्ड मेडल है तो भी आपको ग्रुप सी की जॉब मिल जाती है। जो ग्रुप डी की जॉब्स हैं उसके लिए जो मिनिमम नॉर्म्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला है कि आपने अपने स्टेट को जूनियर या सीनियर नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया हो। दूसरा है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया और आपकी थर्ड पोजीशन हो। और थर्ड है कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को जूनियर या सीनियर स्टेट में रिप्रेजेंट किया और आपकी एटलीस्ट थर्ड पोजीशन हो। तो इसके अंदर ग्रुप डी की जॉब मिलती है। तो ये पूरी जानकारी थी कि आपको रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे से जॉब कैसे मिल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और सब कुछ समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप फ्यूचर में किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।